नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आ गया चुनाव एक खास पेशकश। बिहार के अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से लगातार आप देख रहे हैं। हम पहुंचे हैं गोपालगंज। पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का गृह क्षेत्र है यहाँ गोपालगंज। की जनता का मूड क्या है? जेडीयू के सांसद है आलोक सुमन, दोबारा उन पर भरोसा जताया गया है। सामने वीआईपी के कैंडिडेट हैं प्रेमनाथ और चंचल पासवान। यहाँ समीकरण क्या है, नब्ज क्या है जो गोपालगंज का ये टटोलने की कोशिश करेंगे, और मुद्दे क्या हैं, सवाल क्या हैं, सवालों का जवाब देंगे सीधे यहाँ पार्टी के प्रतिनिधि जो मौजूद हैं उनसे भी परिचय करवाएं। लेकिन एक बार जरा जनता जनार्दन से मिलिए और जनता जनार्दन का उत्साह दिखाइए। तालियां बजाकर उत्साह दिखाइए। चुनाव को लेकर यहाँ उत्साह नजर आ रहा है। एक बार मैं अपने जो मेहमान हैं पार्टी के प्रतिनिधि हैं वो इंट्रोड्यूस करवा दूं। किसको पूछना है, किस पार्टी से पूछना है, हाथ उठाइए। ठीक है, किससे सवाल है? जदयू से है। हाँ, सवाल बताइए। 5 साल में जो डॉक्टर आलोक कुमार सुमन है क्या काम किए हैं? 3 काम बता दें। 3 काम, बहुत बढ़िया सवाल। और सवाल? हाँ, मेरा क्वेश्चन भाजपा और जेडीयू दोनों से है। हमारे जो सांसद हैं यहाँ के गोपालगंज में, जो विकास लग रहा है, 2005 में जब साधु यादव हमारे पार्टी से यहाँ सांसद थे, उन्हीं का विकास, जितने रोड पे गली पे लाइट सोलर जितना देख रहे हैं, हमारे ही पार्टी के जब से सांसद गोपालगंज थे तो विकास था। उसके बाद से जब से भाजपा जेडीयू की सरकार में जो सांसद है कोई विकास नहीं होता है। और हम चाहते हैं आलोक कुमार सुमन का जिस क्षेत्र से आते हैं, माझा प्रखंड के भैंसई दियरा क्षेत्र है, आज तक कोई काम बता दे भैंसई निमुइया कोई नहीं। और पुराना पंचायत, 4 पंचायत मेरे बगल में है, सांसद जी का चेहरा वहाँ के जनता देखा है कि नहीं देखा? ये कौन सांसद है? मीडिया के बाद से छोड़ के हम जेडीयू से क्वेश्चन करना चाहते हैं। सांसद साहब सिर्फ 2 काम किए हैं, सिर्फ इन्होंने चिट्ठी भेजा है और चिट्ठी मंगाया है। विकास के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ अपने मंत्रीगण को चिट्ठी भेजे और चिट्ठी का जवाब मांगे। यूथ को ओनली जॉब चाहिए। भाजपा के लोगों से हमारा ये है कि 2 करोड़ नौकरी हर साल, उसमें जवाब चाहिए। और हमें ही नहीं चाहिए, पूरे बिहार को चाहिए। ठीक है, और इधर कोई सवाल? हाँ, भाजपा जो 2 करोड़ रोजगार और महंगाई, पेट्रोल डीजल के दामों में कमी, ये तमाम बातों के बाद से आज जो गोदी में खेल रहे हैं नीतीश जी के भाजपा, और भाजपा खेल रहा है नीतीश जी के गोदी में, तो ये लोग जवाब दें कि यहाँ के विकास और कार्यों में क्या उपलब्धियाँ हुई हैं। मैं भाजपा वाले से पूछना चाहता हूँ कि ये लोग जो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते हैं, सुनिए सर, मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, ये लोग हिंदू और मुस्लिम राजनीति करते हैं और हिंदू के लड़कों के लोग बोलते हैं कि गोवंश पे ले, ये लोग राजनीति करते हैं, गो तस्करी पर राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम पर राजनीति, मुद्दों पर बात। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये लोग इलेक्ट्रोनल बॉन्ड जो ये लोग आजकल चंदा लिए हैं बीफ कंपनी से, 250 करोड़ चंदा लिए हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदू का बच्चा आपके गोवंश को बचाएगा और आप लोग चंदा लेंगे बीफ कंपनी से? ठीक है, इधर कौन सवाल पूछ रहे थे? हाँ बताइए, पीछे किसी को? भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों चूंकि आज गठबंधन में है, यहाँ के जो एमपी आलोक कुमार सुमन जी, एक साथी ने निश्चित रूप में बताया कि विकास कार्य योजना पर उनका बात होना चाहिए। एक चीज सिर्फ देखते हैं कि पूरे देश के अंदर जो भी लोकसभा सांसद हुए हैं उसमें जो है हमारे गोपालगंज के ऐसे सांसद हुए हैं कि जब भी किसी मुद्दे को लेकर अनुपालन हेतु सदन में सवाल करते हैं तो सवाल में लगता है कथा बांचते हैं, एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। पहला कि चूंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र इलाका हम लोगों का गोपालगंज है और उसमें आज तक रिंग बांध बांधने की बात आई थी वह पूर्ण नहीं हुआ, और हवाई जहाज का जो हुआ था यहाँ हेलीपैड के लिए उसका आज तक पूर्ण नहीं हुआ। इस पर जवाब लेते हैं, 3 काम गिनाइए वहाँ से। और बहुत धन्यवाद आलोक कुमार सुमन। आज़ादी कबीर से कोई सांसद अगर हुआ है तो हम अब गिनती कराना शुरू करते हैं उनका काम, आइए लोग सुन लें। यह जो ओवरफ्लाई चल रहा है अभी 17 साल से बंद था, उन्होंने प्रश्न उठाया, अभी वह बात छोड़िए, 3 साल धान के खेती का यूरिया के समय में जब किसानों के यहाँ यूरिया का किल्लत हुआ तो मैं लोकसभा चल रहा था, मैं फ़ोन करने वाला हूँ और फ़ोन किया, 3रा दिन है, छपरा और सिवान दोनों में रेक लगा। दूसरा बात, सभ्या के फील्ड के बारे में ही लोग जो पूछ रहे हैं कि अधूरा है, पिलरिंग का काम चल रहा है, अभी हाल में 3 करोड़ रुपया बाउंड्री, पक्का बाउंड्री के लिए आ गया है लोक कुमार। वहाँ जो बस्ती है, ये बोला है ना, वहाँ जो बस्ती है, बसावट है, उसका कोई आज तक उपाय नहीं हुआ, उनको हटाया जा रहा है
और सिर्फ नापी पर नापी हो रहा, कुछ इंच नहीं गिरा। माननीय आलोक कुमार सुमन जी 5 साल में बस एक ही काम किए हैं कि जिसने भी उनसे सवाल पूछा है उस पर उन्होंने FIR करने का काम किया है। ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि ये लोग संख्या में है, जो बोलेंगे हम लोग तो जवाब सब लोग का दे नहीं सकते। नहीं, मेरा संख्या नहीं है, मेरे लोग सब फील्ड में है, इन लोगों को तो फील्ड में जाना नहीं है, फील्ड में तो कोई पूछता है नहीं, तो ये लोग तो सब लोग एक जगह हुए हैं। तो जवाब दे दीजिए ना, आपका आप काम करते हैं इसमें, आप बोलेंगे आपकी आवाज ही जाएगी, आप काम गिना दीजिए। हम काम गिना रहे हैं, पहले 1000 हर सरकारी भवन पर, स्कूल पर सोलर लाइट इंस्टॉल दिया गया है। आलोक कुमार सुमन, आलोक कुमार सुमन दिया, आलोक इसके लिए चैलेंज है मेरा। ठीक है, दूसरा काम, दूसरा काम। मैं यहाँ RJD डुमरियापुर, यहाँ RJD के हैं, ये जवाब देंगे, जवाब देंगे। आजादी के बेर से डुमरिया पुल का चर्चा चल रहा था, हिल रहा था, नीच ऊंच बना हुआ था, जाइए देखिए 60% काम उसमें हो गया है, आलोक कुमार का देन है। 5 साल में 60% मैंने नहीं, 60% इस साल, 5 साल में 60% इस साल, 60 बरिस से वो चर्चा में था, 60 बरिस में 2019 से 2023 तक क्या कर रहे थे, किस साल आप काम, जब 2023 से क्या कर रहे थे, 2019 से 2023 4 साल काम लग रहा, काम लगा हुआ है, छोटा काम नहीं ना है। 5 साल में तो पूरा हो जाना चाहिए था सर, काम कितना होता है, मैं कह रहा हूँ 5 साल में तो 100% हो जाना चाहिए था। दूसरा बात कि रिंग बांध का ही लोग बात कर रहे हैं, रिंग बांध 2 पूछिए बना है कि नहीं, रिंग बांध देखे हो तब। अच्छा, बाढ़ के समय में लोग कह रहे हैं दियरा में 2 हेलीकॉप्टर बना है। अब RJD से, हाँ सुन लीजिए, सुन लीजिए मंगलपुर से सहरौली बांध तक 8.5 किलोमीटर रिंग बांध बना है, नया बना है, अब उनको पता नहीं है तो क्या बात, इधर पास है जवाब, उनका नहीं बना होगा। जवाब लेते हैं RJD। देखिए ये काम गिना रहे हैं, ये जो काम गिना रहे हैं उन कामों पर ये वोट मांगने जाएंगे, आपके पास क्या जवाब है? देखिए माननीय सांसद आलोक कुमार सुमन जी जो के प्रतिनिधि हैं, अभी बोले हैं कि ये जो अधूरा काम है हाईवे का वो पूरा हो गया। मैं बताना चाहता हूं यह उस समय से अधूरा है जिस समय NDA के सरकार केंद्र में बना, और आज 10 साल हो गया NDA के सरकार का, अभी भी अधूरा है, अभी तक भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, यह माननीय सांसद जी के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा चीज जो डुमरिया पुल का बोले, आप सही बोले कि 60%, अगर 5 साल में अगर 60% हुआ तो कितना दिन एक पुल बनने में लगता है, यह हम पूछना चाहते हैं जनता दल यू के प्रतिनिधि से। छोटा छोटा जवाब, 3 साल पहले काम उसमें लगा है, इतना बड़ा काम था कि वह काम जो है मैंने अगर 5 साल ठेकेदार अगर 5 साल में करके दे दे, चूँकि बड़ी गंगा का पुल है, साधारण पुल नहीं है, 3 किलोमीटर पुल है, ठीक है। अब BJP यही सवाल, BJP मैं जवाब का जितना बोला लोग दूंगा, लेकिन निवेदन होगा मेरा कि जितने कुर्ता पजामा वाले लोग हैं उनसे आप सवाल नहीं करें, आप नहीं जानते, ये सब लोग RJD के लोग हैं, और जहाँ गठबंधन की हवा ऐसे ही निकल गई, जिस पार्टी का उम्मीदवार है वहाँ उसका नेता यहाँ नहीं है, उसका अध्यक्ष यहाँ नहीं है। देखिए बीच में हम नहीं बोले हैं, इसलिए ये हवा गठबंधन की हवा ऐसे निकल गई। रखिए आप अपनी बात, मेरी बात जहाँ अभी अध्यक्ष जी ने कहा, ये सुनेंगे नहीं, आप इनका जवाब दीजिए। हाँ अध्यक्ष जी की बात, अध्यक्ष जी ने कहा कि जब NDA की सरकार बनी तो NH20 हमारा था, जिसे काम रुक गया, इनको गलत जानकारी है। अटल जी की सरकार में काम शुरू हुआ था, जैसे ही मनमोहन सिंह की सरकार ये काम बंद हो गया, फिर जब मोदी की सरकार आई तो बनके तैयार हो गया, और आज ओवर फ्लाई आप देख रहे हैं, बनके तैयार 2 महीने में हो जाएगा, ये सरकार के दिन है। डुमरिया घाट की पुल की बात है, डुमरिया घाट का पुल 2 बार टेंडर हुआ, 60 साल में तो कभी कुछ हुआ नहीं, इस 5 वर्षों में सांसद ने कहा 2 बार टेंडर हुआ, किसी टेक्निकल कारण से कैंसिल हो गया, फिर हुआ, 60% काम होने के तैयार हो गया। ये सरासर झूठ है, बात है, यह केंद्र सरकार खाली झूठ की बाजार करके और उसके सिवा कुछ नहीं है, बरगलाने का देश के नौजवानों को, लोगों को, जनता को, महिलाओं को, सबको बरगलाने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 20 कम चंदा लिए हैं उसमें क्या कहना चाहेंगे? सुनिए, जहाँ तक देखिए
करवाने आए। पहली बात की आपने नहीं, ये जितने लोग हल्ला कर रहे हैं ये हम लोग नहीं हैं, ये सब लोग जनता दल के पदाधिकारी, जनता दल राजद के पदाधिकारी हैं, मैं सबको जानता हूँ। आप अपनी बात रखिए ना। लेकिन अब भाई साहब बीप की बात कर रहे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टी चंदा से चलती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, इनको पता नहीं है। अब भाजपा वाले का तो सर्टिफिकेट बीफ कंपनी से चंदा, सर्टिफिकेट केस कर दे, इनके पास प्रूफ है तो मैं कहाँ रुक रहा हूँ आपसे, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाइए ना भाई। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में जो पैसा मैंने राजनीतिक पार्टियों को मिली है उसमें सबसे अधिक पैसा जो इंडी गठबंधन के लोग हैं 65% पैसा इलेक्ट्रोल बॉन्ड का इंडी गठबंधन के दलों को मिला है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से चंदा आरजेडी को मिला, आरजेडी को मिला, आरजेडी 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 को मिला, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से चंदा आरजेडी ने नहीं लिया, आरजेडी ने नहीं लिया, जिला अध्यक्ष है आपको तो पता, चंदा आरजेडी ने भी लिया। एक झूठ नहीं है आलोक कुमार सुमन का किया हुआ बात। इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक मुद्दा है जो यहाँ पर बताने की, आपने भी तो चंदा लिया, सब ने तो चंदा लिया, हर पार्टी ने चंदा लिया। देखिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जो उसका डाटा आप देख लीजिए, अगर सबसे ज्यादा कोई चंदा लिया तो भारतीय सबसे ज्यादा या कम लिया तो सबने ना। देखिए उसमें डाटा, आपकी कमीज पर दाग ज्यादा है, इनकी कमीज पर दाग कम है, यही बात होगी, दाग तो है यानी दाग अच्छे हैं। कई सौ कुछ करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी, वही बात, कम दाग ज्यादा दाग, दाग तो सबके कमीज पर है, इनकी कमीज पर, इनकी कमीज पर और आपकी कमीज पर, दाग तो आरजेडी जेडीयू बीजेपी सभी पार्टियों के कमीज पर है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के चंदे के अगर धंधे की बात हो रही है तो दाग तो सभी के कमीज पर है, कौन बोल सकता है कि चंदा हमने नहीं लिया भाई। सर जो माननीय प्रतिनिधि हैं जदयू के, वो जो दिखा रहे हैं आलोक कुमार सुमन जी का जो जितना काम किए हैं धरातल पे, वो सारा जितना मुखिया है हमारे पंचायत में सबका काम वो अपने नाम पे ले लिए हैं और उसी को छपवा के घूम रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी अच्छी बात। अब आगे बढ़ते ठीक है सर, काम काम आप जनता के बीच गिनाइएगा, नहीं अब काम काम जनता, आप जनता के बीच गिना रहे हैं, मैं मुद्दों की बात कर, एक सेकंड अब यहाँ मुद्दा क्या, अब यहाँ मुद्दा क्या है, एक सेकंड, मोदी जी का फ्लाइट कब सब एयरपोर्ट पर उतरेगा, ऐसे नहीं, बारी 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 बारी। इस जिले में कहा पीछे किसी को बोलना है, जिले में और पीछे यह चर्चा है, चर्चा नहीं है, ये भाजपा के मित्र भी बताएंगे, एमपी साहब का चेहरा ना किसी ने देखा है, और हम भाजपा के मित्रों से पूछना चाहते हैं कि इनके लिए उनका गेट खुलता है कि नहीं खुलता है, भाजपा के मित्रों के लिए उनका गेट नहीं खुलता है। नहीं नहीं, इनका सवाल है कि बीजेपी वालों ने दर्शन किया है कि नहीं आलोक जी का, मैं बता रहा हूँ ना, आरजेडी के लोगों ने हर भाजपा ज्यादा किया, पूछे कैसे जी, जो आप जैसे क्वेश्चन कर रहे थे वो आरजेडी के जिला के उपाध्यक्ष हैं और वो 17 महीना मलाई खाए हैं, 17 महीना आलोक सुमन साथ मलाई खाए हैं, आज खराब हो गए क्योंकि हमारे साथ आ गए हैं, हमने जो काम किया है मैंने लिखित दिया है। गोपालगंज की सही तस्वीर नहीं जा रही, अब मुझे बताइए, एक सेकंड, अब मुद्दों की बात करते हैं, आरजेडी के पास क्या मुद्दा है, आरजेडी के 17 साल किन मुद्दों को लेकर, 17 साल बनाम 17 महीना, अभी विगत 10 सालों से यहाँ एनडीए के सांसद रहे हैं, गोपालगंज इतना उपेक्षित है कि यहाँ से लंबी दूरी का ट्रेन भी नहीं यहाँ से उपलब्ध है, और साथ ही साथ
मुद्दों पर बहस कीजिए, जवाब लीजिए, नारा लगाना। यहाँ 17 साल राष्ट्रीय जनता दल और 17 महीना में जो राष्ट्रीय जनता दल ने किया है महागठबंधन, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे ना, 17 साल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। 17 साल में हम लोग इसी मुद्दे पे चुनाव मैदान में हैं। 17 साल बनाम 17 महीना, 17 साल बनाम 17 महीना। आपके 17 साल क्या? जब राजद वाले लोग गड़बड़ी शुरू कर दिए मंत्री लोग, तो हमारा पार्टी छोड़ करके, नेता ईमानदार है, पार्टी छोड़ करके उन लोग का साथ छोड़ दिया। 17 महीने में ये कह रहे हैं रोजगार हमने दिया, रोजगार ही कहां से देगा, मुख्यमंत्री देता है कि मुझे बताओ। 17 साल में क्यों नहीं दिए? मुख्यमंत्री ने दिया है, मुख्यमंत्री ने 17 साल में। हम सुनिए, राजद के हमारे अध्यक्ष जी कहे हैं कि 17 साल में क्या नहीं किए। 17 साल पहले जो बिहार था, हो सकता है जब बहुत लोग बच्चा होगा, रोजगार की बात कीजिए ना, रोजगार की। 17 साल पहले इस सरकार चल रहा था, उसमें ही नहीं थे हमारे साथ, ही नहीं रहे। 17 साल में 4 लाख शिक्षक, टोला सेवक, आशा, आंगनबाड़ी सब बहाली हुआ है ना। आप 17 महीना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, 1,17,000 बहाली पहले से प्रमोट थी, आप कह रहे हम किए। अरे क्या किए? आपने चारा खाया है, चारा डकारा है, और आप चोर हैं, आपके पिता। असली मुद्दा पे तो बात हो ही नहीं रही है। असली मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पे लोग बात नहीं करते। बात वही है कि रोजगार किसने, सिर्फ और सिर्फ बात करता है 400 पार। इस बार ये 4 पार करके दिखाए बिहार में, 4 पार नहीं होंगे बीजेपी वाले। सिर्फ यहाँ आरजेडी वाले अपना दावा कर रहे हैं रोजगार को लेकर, बीजेपी अपना दावा कर रही है, भरोसा किसको है जनता? दोनों LIC एजेंट की तरफ बेच रहे हैं अपना अपना प्रोडक्ट, और दोनों प्रोडक्ट बेच रहे हैं कुर्ता पहन कर कि हम अच्छा किए हैं, हम अच्छा किए हैं, लेकिन जनता का भलाई नहीं हुआ है। और जनता का भलाई जो उस वक्त होगा कि जब 2 करोड़ वाले रोजगार वाले भी रोजगार देंगे, और 20 लाख और 10 लाख वाले भी रोजगार देंगे। आइए, कभी रोजगार देने का काम नहीं है, सिर्फ अखबार में लाकर तस्वीर छपवाने का काम करते हैं, और अखबार और टीवी न्यूज खरीद कर उसमें तलवाने का काम करते हैं, और कोई काम नहीं है इन लोगों को। तो सबसे पहले इस पूरे देश में सबसे लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश में सबसे प्रथम जनता होना चाहिए, क्योंकि जनता के वोट के बिना ना कोई सांसद बन सकता है, ना MP बन सकता है, ना MLA वगैरह कुछ नहीं बन सकता है। और ये हल्ला करने से नहीं होगा, बड़ा बड़ा पर्चा दिखाने से नहीं होगा। अगर दिखाना है तो काम करके दिखाते, तो यहाँ जनता विरोध में नहीं खड़ा होता, चाहे जो भी हो। ये आरजेडी के लिए भी है कि वो दो के काम करके दिखाए, के लिए भी और JDU के लिए भी। आप सभी पार्टियों के लिए, हम सभी पार्टी के लिए बोल रहे हैं, कुर्ता बड़ा पहनने से आप बड़े नेता हो जाएंगे। सब किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अरे आप बताए, रोजगार के लिए, पलायन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए क्या किया है? क्या आज भी पलायन हमारा गोरखपुर में जाता है? आज अगर सर मैं बोलना चाहता हूँ, 2000 नरेंद्र मोदी सुने सुने सुने, अगर रोजगार होता तो ट्रेन में हमारी नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे, किसी को बालगंज में बोला था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 2014 में मैं IAS पास किया हूँ, लेकिन आज तक रेलवे का वैकेंसी पुरजोर तरीके से नहीं आया। आज तक जितना RJD कांग्रेस जितना बहाली दी है, आज तक भाजपा नहीं की है। इतना जल्दी LIC एजेंट बनना पहले छोड़ दे। देखिए, कुछ और आम जनता से भी आप लोग की बात करें, आप लोग से भी बोल सकते हैं गोपालगंज के लिए क्या? आप लोग किन मुद्दों पर इतने खामोश क्यों हैं? वोटर इतने साइलेंट क्यों हैं? जी देखिए, ये तो सही बात है, हमें मोदी नहीं मुद्दा चाहिए। यहाँ के जो सांसद महोदय हैं, पार्टी के नाम पे तो वोट ले लेते हैं, अगर बेसिकली उनका देखा जाए 5 सालों का उनका कार्यकाल, तो हमें आउटपुट बिल्कुल 0 मिला। इसलिए यहाँ की जनता पूरी परिवर्तन के मूड में है, परिवर्तन होना भी चाहिए। सर यहाँ पे है कि खाली BJP नारा लगवा के हल्ला करा देती है, काम नहीं गिनाती है। तो हम लोग को ऐसा चाहिए कि जो काम करे। हमारे सांसद महोदय को तो इतना भी पता नहीं होगा कि गोपालगंज जिले में पंचायत कितने हैं। धरातल पे कुछ नहीं, सिर्फ पर्ची छपवाइए और जनता को दिखाइए कि ये है वो है। ऐसा कुछ जो है ना, ठगा गया है 5 साल में, क्या हमेशा ठगा जा रहा है लोग, मतलब क्या कहें? सुनिए, अगर आपको गोपालगंज में कितनी पंचायत है तो हमको बता दीजिए ना, कितना पंचायत है? सांसद ये थोड़ी है, ये जानता है ना, जानता है। तो सांसद को पता नहीं है? चलिए पता होगा, हमारे वोट मारने अपनी बात नहीं पता होगा। बदलाव जरूरी है। कौन सा मुद्दा? मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी
5 किलो अनाज नहीं चाहिए हमको, 10 लाख रोजगार चाहिए। यहाँ घंटी नहीं बजाना है, अनाज नहीं चाहिए हमको, प्रतिदिन 50 किलो अनाज खिलाने के लिए क्षमता चाहिए। पाँच साल में जिस आदमी से अपने गांव का रोड तक सुधार नहीं हुआ, तो नॉर्मल सी बात है, ऐसा सांसद नहीं चाहिए, नया आदमी चाहिए। ये देखिए, सुनिए, ये कहाँ गए जेडीयू के, कहाँ गए आम जनता के लोग? आरजेडी जेडीयू की बात नहीं है, नहीं नहीं साहब साहब, अब कोई विरोध में बोलेगा उसको आरजेडी वाला बता दीजिएगा। अगर आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास काम गिराने के बल अलावा, आपने काम गिरा दिया सब में, कोई 50%, कोई 60%, पूरा काम किस कौन सा कंप्लीट काम गिरा दिया, ये लोग ले लें और जा करके केस कर दे, गलत हो तो जांच करा ले। पाँच के पहले बिहार क्या था सर? 2005 के पहले बिहार क्या था? जो भी रोड है, जो भी सड़क है, जो भी हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, सब हुआ है बिहार में, विकास हो रहा है सर। अरे इनका ही प्रश्न है, क्या चीज है? 2005 के पहले की बात आ रही है, 2005 के पहले क्या हुआ था? कहीं कुछ नहीं, 2005 के पहले क्या रोजगार मिला? क्या हुआ 2005 में जो बच्चा पैदा हुआ आज 20 साल का हो गया, क्या उसको रोजगार मिला? क्या 2005 के बाद 2 करोड़ रोजगार देना था? एक मिनट बता रहे हैं, 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का जो वादा हुआ था, 400 का गैस सिलेंडर जो 1300 हुआ है। अच्छा एक सेकंड, मुझे खत्म करना है शो, आप मुझे जवाब दीजिए, जब ये साथ रहते हैं तब जंगल राज आता नहीं आता है? आता है, तब ये अच्छे हो जाते हैं, शो बहुत हो गया। काला घोटाला, खतरा काला घोटाला, मोदी जी चले घोटाला करते हैं, मोदी जी यही खत्म करना पड़ेगा, बात होनी चाहिए।